Hello friends, I am Haniram DALL. Welcome in online agriculture e-platform. Student, आज हम बात करेंगे basic agriculture की quiz की और उसमें भी particular अपने जो topic choose किए हैं आज quiz के लिए वो अपने seed and weed है. Seed और weed के कुछ important जो question है उन पर अपने discuss करेंगे. ये सभी question जो है वो आपके आने वाले जो exam हैं जैसे मैं बात करूं जैसे यूपी के जो स्टूडेंट है फिलहाल अभी तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी की पीजीटी की या फिर मैं बात करूं जैसे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है एसीएफ की तैयारी कर रहे होंगे उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है वो आरएईओ और एसएडीओ की तैयारी कर रहे होंगे और जो राजस्थान में स्टूडेंट है वो फिलहाल अभी कुछ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लगे हुए हैं और कुछ एग्रीकल्चर ऑफिसर में और कुछ एसीएफ में लगे हुए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके अलावा जैसे जनवरी में जो बैंकिंग का एग्जाम आने वाला है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. तो अपने इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है बीज उत्पादन वाले खेत में अन्य किस्म के पौधे निकालना कहलाता है. रिमूविंग ऑफ ओप टाइप प्लांट फ्रॉम सीड क्रॉप इज नोन एज. देखो मान लो कि आप किसी क्रॉप का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं जैसे क्यों ना मैं आपको वीट का एग्जांपल दे देता हूं. वीट कहीं आपने जो फार्मिंग की है यहां पे सीड प्रोडक्शन के लिए आप क्रॉप ले रहे हैं और यहां मान लो कि सोनाली का जो वैरायटी है उसका वीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. सोनाली का वैरायटी का वीट सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पे तो यहां सोनाली का की आपने क्रॉप लगा रखी है तो बीच में जो कुछ प्लांट है वो मान लो लर्मा रोजा के आगे है तो लर्मा रोजा भी वीट और सोनाली का भी वीट बट जब आपको सीड प्रोड्यूस करना है तो आप प्योरिटी चाहेंगे आप कौन सा यहां पे सीड प्रोडक्शन करना चाहेंगे सोनाली का. तो अब लर्मा रोजा के अगर कुछ प्लांट आ जाते हैं यानी एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी के प्लांट आ जाते हैं सीड प्रोडक्शन के टाइम तो उनको अपने क्या बोलते हैं रोग वीड बोलते हैं और ये जो रोग वीड होते हैं इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं ऑफ टाइप प्लांट बोलते हैं. इन्हीं को अपने क्या बोलेंगे ऑफ टाइप प्लांट बोलेंगे. तो इन ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव करना क्या कहलाएगा क्वेश्चन अपना ये था. यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है देखो ऑप्शन ए है आपके पास वीडिंग यानी वीडिंग कहेंगे. देखो वीडिंग का मतलब क्या होता है कोई सा भी वीड हो चाहे एब्सोल्यूट वीड हो चाहे रिलेटिव सापेक्ष वीड हो चाहे निरपेक्ष वीड हो चाहे ये रोग वीड हो कोई सा भी वीड निकालते हो तो वीडिंग है लेकिन पर्टिकुलर वीडिंग टर्म्स है वो इसके लिए यूज नहीं होती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला देखो क्या है थिनिंग. थिनिंग का मतलब होता है विरलीकरण. मान लो कि डेंस प्लांट लग गए तो उसमें से कुछ प्लांट रिमूव कर देते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं थिनिंग बोलते हैं. तो यहां पर जो राइट टर्म है वो थिनिंग भी नहीं है और अपना जो सी ऑप्शन है यानी सह ऑप्शन है वो है रोगिंग. रोग वीड को रिमूव करना क्या कहलाता है रोगिंग कहलाता है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा यानी रोगिंग राइट होगा. देखो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ था जीवन क्षमता ज्ञात करना ये तो हो ही नहीं सकता है तो इस पर तो अपने को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा रोगिंग होगा. जब आप सीड प्रोडक्शन करते हैं तो जो सीड प्रोडक्शन के लिए आपने वैरायटी लगा रखी है उसी क्रॉप की दूसरी वैरायटी का अगर उसमें कोई प्लांट आ जाता है तो उसको ऑफ टाइप प्लांट या फिर रोग वीड बोलते हैं और उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है रोगिंग कहलाता है. तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा. तो यह हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम बढ़े सेकेंड क्वेश्चन की ओर. तो देखो अपना सेकेंड जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कपास में सेकेंड क्वेश्चन में अपना दिया हुआ है कपास में आधार व प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं. कपास में आधार व प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं. इंग्लिश में मैं बोलूंगा आइसोलेशन डिस्टेंस इन कॉटन फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन. देखो सबसे पहले तो क्या होता है आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है. देखो मान लो कि आप सीड प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं कोई सी भी वेराइटी ग्रो कर रहे हैं तो अब ये वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो इसके आसपास अगर इसी क्रॉप की कोई दूसरी वैरायटी लगी है मान लो कि यहां दूसरे प्लॉट में दूसरी वैरायटी लगी है तो इसके पोलन इस पर आकर गिर सकते हैं और इससे क्या हो सकता है इंप्योरिटी आ सकती है जेनेटिकल इंप्योरिटी यानी अनुवांशिक अशुद्धता आ सकती है. तो इस चीज को खत्म करने के लिए दो वैरायटी के बीच का जो डिस्टेंस रखना पड़ता है सीड प्रोडक्शन के लिए उसको अपने क्या बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं. आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं या फिर अपने हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे पृथक्करण दूरी कहा जाता है. तो जब कॉटन के अंदर आप सीड प्रोडक्शन करते हो कौन कौन सा सीड प्रोडक्शन करते हो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हो तब आप कितना डिस्टेंस रखते हो.
देखो यहाँ ए ऑप्शन है आपके पास 100 मीटर तो बताया है इन्होंने किसके लिए, फाउंडेशन सीड के लिए, और 50 मीटर बताया है यहाँ सर्टिफाइड सीड के लिए। बी ऑप्शन है तो 50 मीटर तो बताया है फाउंडेशन सीड के लिए और 30 मीटर बताया है सर्टिफाइड सीड के लिए। और सी ऑप्शन देखिए आप पर यहां पर आप 200 मीटर तो बताया है फाउंडेशन सीड के लिए और 100 मीटर बताया है सर्टिफाइड सीड के लिए। और जो अपने डी ऑप्शन है उसमें 3 मीटर ही फाउंडेशन और 3 मीटर ही किसके लिए बताया है, सर्टिफाइड सीड के लिए बताया है। तो जब भी अपने कॉटन के अंदर सीड प्रोडक्शन करते हैं तो जो फाउंडेशन डिस्टेंस, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए डिस्टेंस रखेंगे दो वैरायटी के बीच में वो 50 मीटर रखते हैं, और जो अपने सर्टिफाइड सीड के लिए रखते हैं वो 30 मीटर रखते हैं। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी कॉटन सीड प्रोडक्शन करते टाइम फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस पृथक्करण दूरी 50 मीटर रखोगे और सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज के लिए जो पृथक्करण दूरी है आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 30 मीटर रखेंगे। तो ये हो गया अपना यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उससे पहले देखो जो कॉटन है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेशन है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल, सॉरी सिंपल सा डेफिनेशन बताया आपको ओपन क्रॉस पॉलिनेशन का। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन यानी बहुधा परपरागित फसल जिसमें स्व परागण भी होता है और परपरागण भी होता है। तो इसमें जो मेजर क्रॉप आती है जैसे एक तो आती है अपने ओकरा, ठीक है, और दूसरी अपने कौन सी आती है चिल्ली। तो इनका जब आप सीड प्रोडक्शन करते हैं तो फाउंडेशन यानी आधार बीज के लिए तो पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे 400 मीटर, और जो सर्टिफाइड सीड है यानी प्रमाणित जो बीज है उसके लिए आप कितना रखोगे 200 मीटर रखोगे। बैंगन यानी ब्रिंजल या एग प्लांट बोल देते हैं और ज्वार यानी सोरगम इनके लिए फाउंडेशन सीड के लिए 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए 100 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं। पीजन पी अरहर जब अरहर का सीड प्रोडक्शन करते हैं ये सारी की सारी ओपन पॉलिनेटेड है। अरहर को आप रेड ग्राम भी बोल देते हैं और उसके अलावा पीजन पी भी बोल दिया जाता है, तुअर भी बोल देते हैं ना। तो इसका जब आप सीड प्रोडक्शन करते हो तब फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 100 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं और सर्टिफाइड सीड के लिए 50 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। कपास कॉटन, कॉटन का सीड प्रोडक्शन करते टाइम अपने फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 50 मीटर डिस्टेंस रखते हैं और सर्टिफाइड सीड के लिए अपने कितने डिस्टेंस रखते हैं 30 मीटर रखते हैं। आपके दिमाग में कभी ये तो क्वेश्चन आता होगा कि इन दोनों के बीच में ये गैप क्यों है, यानी फाउंडेशन के लिए तो 50 मीटर रख दिया और सर्टिफाइड के लिए अपने 30 मीटर रख दिया। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस सीड आता है, न्यूक्लियस सीड से फिर ब्रीडर सीड प्रोड्यूस होता है, ब्रीडर सीड से अपने फिर फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस होता है, फाउंडेशन सीड से फिर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस होता है। सर्टिफाइड सीड है इससे कोई नया सीड प्रोड्यूस नहीं होगा, ये सीधा फार्मर के पास जाएगा। सर्टिफाइड सीड का जो फादर है यानी पेरेंट्स है यानी जनक है वो फाउंडेशन सीड है। तो फाउंडेशन सीड में अपने जितनी ज्यादा प्योरिटी मेंटेन करेंगे उतना ही सर्टिफाइड सीड में प्योरिटी मेंटेन हो पाएगी, इसलिए फाउंडेशन सीड से नए सीड तैयार करने इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना है आपको, इसलिए यहां पर आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे। सर्टिफाइड सीड से अपने कोई भी नेक्स्ट सीड तो तैयार करने वाले नहीं है, नेक्स्ट सीड तो अपने तैयार करने वाले नहीं है, इसलिए अगर इसमें अगर अपने डिस्टेंस कम है आइसोलेशन डिस्टेंस कम है तो भी अपना क्या है काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चले तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपने, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एनएससी की स्थापना हुई थी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इस्टैब्लिश, जो नेशनल कॉर्पोरेशन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है वो कब इस्टैब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है हमारा जनवरी 1963, बी ऑप्शन है मार्च 1963, सी ऑप्शन है अपना मार्च 1968, और एक ऑप्शन और जो अपने नीचे है वो अपने देखो ऑप्शन था ये जनवरी 1968, अगला जो अपना ऑप्शन था वो था जनवरी 1968, है ना, ये थोड़ा सा कट गया है यहां पर ध्यान रखना। तो देखो ऑप्शन क्या था, एक तो अपना एक ऑप्शन था जनवरी 1963, बी ऑप्शन था मार्च 1963, सी ऑप्शन है मार्च 1968, और डी ऑप्शन मैं यहां पे लिख देता हूं जनवरी 1968, है ना।
तो ये आपके पास ऑप्शन है। बताइए कि एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब इस्टैब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में इस्टैब्लिश हुआ था। तो ये इस्टैब्लिश हुआ था मार्च 1963 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन यहां पर राइट है। ठीक है, तो ये यहां पे अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें भी कुछ जो अपनी सीड की बात करें तो सीड में जैसे कुछ इंपोर्टेंट मोमेंट हुए थे, तो उन अगर इंपोर्टेंट मोमेंट की बात करें तो मैंने यहां पे आगे मेंशन कर रखे हैं। कुछ और क्वेश्चन है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, तो इनको भी आप साथ साथ में ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन शायद दो बार मैंने दे दिया, बट क्वेश्चन अलग अलग है, आपको तो क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। सीड का टॉपिक चल रहा है, सीड की वायबिलिटी की बात कर रहे हैं। विच वन इज यूज फॉर सीड वायबिलिटी एनालिसिस, यानी बीज जीवित है या मृत है इसको ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं। यहां ए ऑप्शन है हमारे पास टेट्राजोलियम टेस्ट, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल टेस्ट, और सी ऑप्शन है जर्मिनेशन टेस्ट, और डी ऑप्शन है हमारे पास ए एंड बी बोथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो टेट्राजोलियम टेस्ट होगा। देखो सीड की वायबिलिटी एनालाइज करने के लिए अपने टेट्राजोलियम टेस्ट काम में लेते हैं। इसमें अपने जनरली क्या करते हैं, 2-3-5 टेट्राजोलियम क्लोराइड काम में लेते हैं, और उससे जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको अभिरंजित यानी स्ट्रेन करते हैं, बीजों को तोड़ते हैं और जो टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है उसके अंदर डालते हैं। तो जिन बीज के अंदर अभिरंजन हो जाता है, यानी जो रेड कलर के हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाता है, यानी पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के नहीं, सॉरी पिंक कलर के हो जाते हैं, यानी अभिरंजित हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, वो तो होते हैं वाइबल, और जो स्ट्रेन नहीं होते हैं, अभिरंजित नहीं होते हैं, वो नॉन वाइबल होते हैं। तो इस तरह से अपने 2-3-5 टेट्राजोलियम क्लोराइड से अपने वाइबिलिटी टेस्ट एनालाइज करते हैं, और उस टेस्ट को अपने टेट्राजोलियम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण के मानक कौन से सन में निर्धारित किए गए थे। नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड डिसाइडेड इन विच ईयर, यानी जो सीड प्रोडक्शन के लिए अपने स्टैंडर्ड है, इतनी इसमें फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, इतनी इसमें जेनेटिकल प्योरिटी होनी चाहिए, इतना इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, इस तरह की जो इस तरह के स्टैंडर्ड है वो कौन से ईयर में डिसाइड किए गए थे। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है वो है 1968, बी ऑप्शन है वो है 1971, सी ऑप्शन है 1969, और डी ऑप्शन है 2002। तो कौन से ईयर के अंदर अपने सीड स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे, तो वो जो आपका ईयर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी 1971 के अंदर सीड स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे, सीड स्टैंडर्ड है वो डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ जो सीड के अंदर अपने सीड टॉपिक के अंदर बात करें और कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनके मैंने यहां पर जो मतलब घटनाएं जिस समय घटी है या जिस समय कोई चीज इस्टैब्लिश हुई है वो टाइम मैंने यहां पे दे रखा है। सबसे पहला है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इस्टैब्लिश हुआ था 7 मार्च 1963 के अंदर। नेक्स्ट है सीड एक्ट, सीड एक्ट बना था 29 दिसंबर 1966 में बना था। सीड एक्ट स्टार्टेड, जो सीड एक्ट है वो इन्फोर्समेंट में कब आया, लागू कब हुआ था, बना तो 29 दिसंबर 1966 को था। जो बीज अधिनियम है, सीड एक्ट है, वो बना तो 29 दिसंबर 1966 को था, बट ये सीड एक्ट है ये इन्फोर्समेंट में लागू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 के अंदर लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सीड लो, बीज कानून, बीज कानून कब बना था, 1968 के अंदर बना था। नेक्स्ट है नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड कब डिसाइड हुए थे, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 1971 के अंदर हुए थे। नेक्स्ट है न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट के लिए जो नई नीति का निर्धारण किया गया था वो कब किया गया था, 1988 में किया गया था। न्यू सीड पॉलिसी, न्यू सीड पॉलिसी कब आई थी, 2002 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है वो अपना कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है प्रजनक बीज में अनुवांशिक शुद्धता होती है, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ब्रीडर सीड इज,
देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले न्यूक्लियस सीड से तैयार होता है ब्रीडर सीड, और ब्रीडर सीड से तैयार होता है फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड से तैयार होता है सर्टिफाइड सीड, है ना। इंडिया में ये चार टाइप के सीड अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जो न्यूक्लियस सीड है यानी जो नाभिक बीज है, और जो ब्रीडर सीड यानी जो प्रजनक बीज है, ये दोनों बीज ही किसकी देखरेख में तैयार होते हैं, प्लांट ब्रीडर यानी प्रजनक की देखरेख में तैयार होते हैं, और वो इनके अंदर अनुवांशिक शुद्धता कितनी मेंटेन रखता है, 100% मेंटेन रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, 100% इसमें जेनेटिकल प्योरिटी होती है। न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड इन दोनों के अंदर ही जो अनुवांशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है यानी 100% होती है। तो ये भी हाँ, उसके बाद की मैं बात करूं जैसे फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड होते हैं, इनके अंदर अगर हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, अनुवांशिक शुद्धता की बात करें, तो कितने परसेंट होती है, 98% होती है। ये दोनों ही सीड ब्रीडर की देखरेख में नहीं तैयार होते हैं, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके अंडर में तैयार होता है, फार्मर फील्ड पे तैयार होते हैं, तो इनमें कुछ इंप्योरिटीज आ जाती है। तो इनमें जो अनुवांशिक शुद्धता होती है वो 98% से अधिक होती है, और जो न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड होते हैं उनमें अनुवांशिक शुद्धता यानी जो जेनेटिकल प्योरिटी होती है वो हमेशा 100% होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है यहां पर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पता ही होगा, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है प्रमाणित बीज के टैग का रंग होता है, टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड इज, जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके टैग का कलर कैसा होता है। ए ऑप्शन है पर्पल, बी ऑप्शन है गोल्डन येलो, सी ऑप्शन है व्हाइट, और डी ऑप्शन है ब्लू। तो बताइए कि यहां पर जो सर्टिफाइड सीड है उसके जो टैग है उसका कलर किस तरह का होता है, ये देख लीजिए आप। टैग में पूरी डिटेल ही बता देता हूं मैं आपको। देखो न्यूक्लियस सीड के लिए कोई टैग यूज नहीं होता है, जो ब्रीडर सीड होता है उसके लिए गोल्डन येलो टैग यूज होता है, जो ब्रीडर सीड है उसके लिए गोल्डन येलो टैग यूज होता है, और गोल्डन येलो टैग का जो साइज होता है वो 12 into 6 सेंटीमीटर होता है, 12 into, ये थोड़ा सा इमेज साफ नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, जो ब्रीडर सीड होता है उसके टैग का जो कलर होता है वो हमेशा गोल्डन येलो होता है, और उसका साइज होता है वो 12 into 6 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अपने बात करें फाउंडेशन सीड, जो फाउंडेशन सीड होता है उसके जो टैग का कलर होता है वो हमेशा व्हाइट होता है, और जो टैग का साइज होता है वो 15 into 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता नहीं है, बट टैग का कलर पूछ ले तो आप कौन सा बताओगे, पर्पल कलर बताओगे, और इसका जो साइज होता है वो सेम ही साइज होता है किसके समान होता है, जैसा कि फाउंडेशन सीड में होता है 15 into 7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट लास्ट में बात आती है सर्टिफाइड सीड की, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सर्टिफाइड जो सीड होता है उसके टैग का कलर होता है ब्लू कलर होता है, ठीक है, और इसके भी टैग का जो साइज होता है वो 15.75 सेंटीमीटर होता है, यहां पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, देखना यहां पर इसके जो टेक का कलर साइज होता है वो कितना होता है, 15 into 7.5 सेंटीमीटर होता है, 15 into 7.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो चार तरह के सीड जिनमें टेक लगता है, न्यूक्लियस सीड में तो टेक लगता ही नहीं, नेक्स्ट अपने जो टैग लगता है ब्रीडर सीड में तो गोल्डन येलो लगता है, फाउंडेशन सीड में व्हाइट होता है, रजिस्टर्ड सीड अपने इंडिया में तैयार नहीं होता है पर्पल लगता है, और जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके अंदर जो टैग होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब अपने वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया था, सर्टिफाइड सीड, और सर्टिफाइड सीड के अंदर जो टैग लगता है वो ब्लू लगता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। तो और भी जो सीड है उनके भी मैंने टैग का कलर आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना 8 नंबर, संकर मक्का का सीड इंडेक्स होता है, सीड इंडेक्स ऑफ हाइब्रिड वेट। सबसे पहले बात तो देखो, एक तो होता है टेस्ट वेट, टेस्ट वेट का मतलब होता है जो 1000 सीड्स होते हैं, 1000 सीड्स का जो वेट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं, और जो 100 सीड का जो वेट होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, सीड इंडेक्स बोल देते हैं। तो यहां हाइब्रिड मेज की सीड इंडेक्स पूछी गई यानी 100 बीजों का भार पूछा गया। ए ऑप्शन है 285 ग्राम, बी ऑप्शन है 28.5 ग्राम, सी ऑप्शन है 200 ग्राम, और डी ऑप्शन है 20 ग्राम। तो देखो अगर मैं बात करूं
टेस्ट वेट की, तो जो हाइब्रिड मेज है उसका टेस्ट वेट होता है 285 ग्राम होता है, ठीक है। और जो अपने लोकल अपने मेज होता है, संकुल मेज, संकुल मक्का भी बोल देते हैं, उसकी जो टेस्ट वेट होता है वो 200 ग्राम होता है। ये तो हजार बीजों का भार है। अब अगर आपसे सीड इंडेक्स पूछ ले तो जो हाइब्रिड है उसका होता है 28.5 ग्राम, और जो अगर अपने देसी मक्का या संकुल मक्का पूछ लेते तो इसका कितना होता है, 20 ग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर राइट है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीटी कपास की अंकुरण क्षमता होती है। यहाँ बीटी कपास पूछा गया, ध्यान रखना है, जर्मिनेशन परसेंटेज इन बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है। ए ऑप्शन है 80%, बी ऑप्शन है 65%, सी ऑप्शन है यहां पर 70%, और डी ऑप्शन है 75%। तो बीटी कॉटन का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, बीटी कॉटन का जर्मिनेशन परसेंटेज होता है सी ऑप्शन राइट है, यानी 70% होता है बीटी कॉटन के अंदर जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ, जंगली चौलाई में प्रति पौधे बीज का उत्पादन होता है, पर प्लांट सीड प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रेंथस इज, एम्ब्रेंथस या वाइल्ड एम्ब्रेंथस या जंगली चौलाई की बात करें तो ये एक वीड है और खतरनाक वीड है, इसको खत्म करना मुश्किल होता है क्योंकि पर प्लांट ये बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है। जिक्रता कितने हैं, पर प्लांट ए ऑप्शन है 1,93,000, 1,93,000, बी ऑप्शन जो है यहां पर वो है 1,96,000, 1,96,000, सी ऑप्शन है अपना यहां पे 1,75,000, 1,75,000, और डी ऑप्शन है 73,000 यानी 73,000। तो जंगली चौलाई जो है वो पर पौधा यानी जो वाइल्ड एम्ब्रेंथस है पर प्लांट कितने सीड प्रोड्यूस करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी 1,96,000 एक पौधा बीज उत्पादित कर देता है। अब समझो एक बीज खरपतवार जो जंगली चौलाई है, खरपतवार का एक ही पौधा अगर कामयाब हो गया खेत में बीज तक उत्पन्न करने में तो 1,96,000 बीज आपके खेत में छोड़ जाएगा, अगले साल उसको कैसे कंट्रोल करोगे। इसलिए क्या है कि खरपतवारों की ये विशेषता भी होती है, ये इनकी एक मतलब स्पेशलिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इनको खत्म करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। देखो जो खरपतवार होते हैं उनमें कुछ खरपतवारों के अंदर यानी कुछ वीड में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं, एक एक पौधे से हजारों की संख्या में बीज उत्पादित होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने है, गाजर घास जिसको अपने पार्थेनियम बोलते हैं, उसके अलावा सत्यानासी यानी मैक्सिकन पॉपी, इनका एक प्लांट है वो लगभग 5,000 यानी 5,000 बीज प्रोड्यूस करता है। वहीं पे अमरबेल यानी डूडर या डेविल हेयर वीड जिसको बोलते हैं, इसका एक प्लांट एक पौधा लगभग 16,000 सीड यानी 16,000 बीज प्रोड्यूस करता है। बथुआ चिनोपोडियम जो है उसका एक पौधा लगभग 72,000 बीज यानी 72,000 सीड प्रोड्यूस करता है। मकोई जिसको अपने ब्लैक नाइट सेड बोलते हैं, इसका एक प्लांट एक पौधा लगभग 1,75,000 बीज प्रोड्यूस करता है, 1,75,000 सीड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट परचुलिका जो है वो लगभग 1,93,000 जो बीज है पर पौधा प्रोड्यूस करता है। और जंगली चौलाई जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, वाइल्ड एम्ब्रेंथस भी बोल देते हैं इसको, इसका एक प्लांट जो है वो 1,96,000 जो बीज है वो प्रोड्यूस करता है। अब सोचो अगर ऐसे प्लांट फ्लावरिंग के बाद सीड मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं तो आने वाले समय में फिर इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह के जो खरपतवार होते हैं उनको अपने क्या करना चाहिए, फ्लावरिंग से पहले पहले ही कंट्रोल कर देना चाहिए। अगर फ्लावरिंग के बाद इनमें सीड पनप जाता है तो फिर इनका कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर खरपतवारों से फसल उत्पादन में औसतन कितने प्रतिशत तक नुकसान होता है, व्हाट इज द एवरेज लॉसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू वीड्स। देखो वीड की वजह से, खरपतवार की वजह से अपने फसल में कितने प्रतिशत तक नुकसान हो जाता है। ए ऑप्शन है ये नुकसान 20% तक होता है, ये बी ऑप्शन है 26% तक नुकसान होता है,
सी ऑप्शन है 33% तक नुकसान होता है और डी ऑप्शन है 8% तक नुकसान होता है। तो खेत में खरपतवार औसत भारत की बात हो रही है, भारत में खरपतवारों से औसत कितना नुकसान हो जाता है, कितना लॉस हो जाता है, तो भारत में खरपतवारों से लगभग 33% लॉस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है, सी ऑप्शन राइट है, यानी 33% तक लॉस देखने को मिलता है। तो ये तो था अपने वीड से जो लॉस होता है 33%। बट अगर और भी लॉसेस की बात करूं, मैं सभी पेस्ट सभी पीड़क की बात करूं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो पेस्ट यानी पीड़क। अगर मैं कीटों की बात करूं, इंसेक्ट्स की बात करूं, तो इंसेक्ट कुल है वो 27% तक लॉस करते हैं। इसमें भी अगर अपने और आगे क्लासिफिकेशन में जाएं तो 20% जो लॉसेस है वो तो खड़ी फसल में, स्टैंडिंग क्रॉप में, कल्टीवेशन के दौरान इंसेक्ट लॉस करते हैं, और 7% का जो लॉस है वो स्टोरेज में होता है। ये तो होता है स्टोरेज में, और ये होता है कल्टीवेशन के टाइम यानी खेती के टाइम होता है, ठीक है, ये लॉस। और अगर मैं डिजीज की बात करूं, तो डिजीज से जो लॉस होता है वो जनरली लॉस होता है, छब्बीस परसेंट होता है। वहीं पे अभी अपनी अपने बात की थी वीड्स से जो लॉस होता है वो कितना होता है, 33%। कई बार रेंज में दे दिया जाए तो रेंज देंगे आपको 30-35% की रेंज देंगे। अब देखो पेस्ट से, सॉरी पेस्ट में भी अपने इंसेक्ट की बात कर रहे थे ना, ये इंसेक्ट का लॉस है, ये सारे पेस्ट है, इंसेक्ट का लॉस कितना है, 27% है। तो इंसेक्ट यानी कीटों से जो नुकसान है और इसको अपने इस नुकसान को रोकने के लिए जो कुल जो प्रोटेक्शन में खर्चा करते हैं, इन सबसे जो बचाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसका 70% केवल इस लॉस से बचाने के लिए कर देते हैं, 70%। और जो रोगों से नुकसान होता है उससे बचाने के लिए अपने 12-15% खर्चा कर देते हैं। खरपतवारों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है बट इससे बचाने के लिए अपने कितना खर्चा करते हैं, सिर्फ 3-4% ही खर्चा करते हैं कुल प्रोटेक्शन में जो खर्चा लगता है। हालांकि सबसे ज्यादा जो नुकसान है खरपतवारों से 33% होता है, उसके बाद कीटों से 27% होता है जिसमें से 20 तो कल्टीवेशन के दौरान और 7 स्टोरेज के दौरान, और 26% रोगों से नुकसान होता है। बट जो प्रोटेक्शन में इन ये जो नुकसान है इससे बचाव के लिए जितना भी पैसा खर्चते हैं उसका 70% अपने कीटों से कंट्रोल में खर्च देते हैं। रोगों के कंट्रोल के लिए अपने कितना खर्च देते हैं, लगभग अपने 12-15, और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 3-4% ही खर्चते हैं। ये तो नुकसान है इन पीड़क से, इन पेस्ट से होने वाला। उसके अलावा चूहों से लगभग 6% नुकसान हो जाता है, बाकी जो पीड़क बच गए ना, जंगली पशु वगैरह या कोई और भी है, तो उनसे जो नुकसान है वो कितना होता है, 8% होता है। तो ये नुकसान भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से पीड़क से कितना नुकसान होता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर अपना क्वेश्चन है, कसन नील खरपतवार है यानी स्कर्लेट पिंपेरेनल जो वीड है वो कौन से सीजन का वीड है। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन रबी, बी ऑप्शन खरीफ, सी ऑप्शन जायद, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो कसन नील है जिसको अपने स्कर्लेट पिंपेरेनल बोलते हैं, ये कौन से सीजन का वीड है, तो ये है रबी सीजन का वीड होता है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अपने, तो अगला क्वेश्चन है अपना, लट जीरा है, प्रिकली चेफ्लावर जो है, प्रिकली चेफ्लावर जो है वो किस तरह का वीड है, एनुअल यानी एक वर्षीय, बाई एनुअल यानी द्विवर्षीय, पेनुअल यानी बहुवर्षीय, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई सा भी, नन ऑफ दीज। एक वर्षीय जो अपना जीवन काल एक ही सीजन में कंप्लीट कर ले, द्विवर्षीय जो अपना जीवन काल पूरा करने में दो सीजन ले ले और दो सीजन से ज्यादा ले ले, वो कौन सा होता है, पेनुअल होता है, बहुवर्षीय होता है। तो यहां पे लट जीरा पूछा है, प्रिंकली चाफ्लावर पूछा हुआ है, तो ये कैसा वीड है, तो ये कैसा वीड है, सी ऑप्शन राइट है, यानी बहुवर्षीय वीड है, बहुवर्षीय खरपतवार पेनुअल वीड होता है, ठीक है। 13 का राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने, जो के खेत में सरसों का उगना, मस्टर्ड ग्रो इन बार्ले फील्ड, आपने तो खेत में जो लगाया बट बीच बीच में कुछ पौधे सरसों के भी उगे, उसको अपने कैसा खरपतवार बोलेंगे। ए ऑप्शन है एब्सोल्यूट वीड, निरपेक्ष खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड
वास्तव में ही जो खरपतवार है, जिसकी इमेज ही खरपतवार है, जंगली प्याजी जी खरपतवारी है, बतुआ जी खरपतवारी है, कर्सर नील है वो भी खरपतवारी है, अमरबेल है वो भी तो खरपतवारी है, जो कहीं भी उग जाए वो खरपतवारी है। तो वैसे खरपतवार तो एब्सोल्यूट वीड होते हैं, बट सरसों तो नहीं है ना, सरसों खरपतवार तो नहीं है। खरपतवार वो क्यों हो गया, वो दूसरी फसल में जाके उग गया, बिना मतलब कि दूसरे के घर में जाके पंचायती करने लग गया, तब वो खरपतवार हो गया, अदरवाइज तो सरसों फसल है, तो एब्सोल्यूट वीड तो नहीं है जी सरसों। दूसरा है अपना सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव वीड। सापेक्ष खरपतवार का मतलब होता है इमेज तो उसकी, वास्तव में तो वो खरपतवार नहीं है, बट उसकी लोकेशन गलत है, यानी दूसरी फसल में चला गया, इसकी वजह से जो खरपतवार बन जाता है वो कौन सा होता है, सापेक्ष खरपतवार। तो बात इसी तरह की हो रही है, जो एक फसल है सरसों की एक फसल है, बट जो के फसल खेत में सरसों क्या कर रही है, तब वो रिलेटिव वीड हो जाएगा, सापेक्ष खरपतवार हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन और देख लेते हैं, बच गए वो राइट आंसर तो मिल ही गया। वैसे सी ऑप्शन क्या था, अवांछित खरपतवार रोगवीट, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, भी एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी का सीड आता है, वो रोगवीट हो गया, वो आ गया, उपरोक्त सभी इसका क्या डिस्कस करें। तो ये बी ऑप्शन यहां पर राइट है, 13 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी इसको रिलेटिव वीड बोलेंगे। ऐसा पौधा जो वास्तव में खरपतवार कहीं भी उग जाए वो एब्सोल्यूट वीड होता है, कोई पौधा है तो फसल बट दूसरी फसल में गलती से उग गया है तो वो कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव वीड हो जाएगा। और एक किस्म में दूसरी किस्म के बीज उगे हैं, जब सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, तब वो अपने कहलाएगा रोग वीड कहलाएगा, जैसा कि अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो मक्का में कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार लगता है, विच वन इज सेमी रूट पेरासाइट वीड ग्रो ऑन द मेज, यानी जो मक्का है उस पर कौन सा अर्ध जड़ परजीवी। देखो सबसे पहले तो परजीवी खरपतवार क्या है, परजीवी क्या होता है, एक पौधा जो दूसरे पौधे पर उगता है, मान लो कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है और इस पर क्या है, कोई दूसरा पौधा आके उग गया, तो ये दूसरा पौधा इसके जाइलम और फ्लोएम में अपना सिस्टम सेट कर लेगा और इसी से वो अपना पानी लेगा और इसी से अपना भोजन लेगा, तो ऐसे पौधे को अपने क्या बोल देते हैं, परजीवी पौधा बोल देते हैं। तो कुछ परजीवी पौधे हैं वो परजीवी खरपतवार पौधे भी होते हैं। अब देखो जो तने पर उगते हैं वो तना परजीवी है, स्टेम पेरासाइट है, और जो जड़ पे उगते हैं वो रूट पेरासाइट है, यानी जड़ परजीवी है। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो सेमी पेरासाइट होता है, एक फुली पेरासाइट होता है। अगर वो तने पे हो रहा है तो हमें उसको सेमी स्टेम पेरासाइट यानी अर्ध तना परजीवी बोल देते हैं, अगर जड़ पे हो रहा है तो अर्ध जड़ परजीवी बोल देते हैं। अर्ध परजीवी कौन सा होता है, देखो पौधे में दो मेन मतलब अवस्थाएं होती है जीवन की, एक तो वानस्पतिक वृद्धि और उसके बाद प्रजनक अवस्था। अगर कोई पौधा इनमें से एक अवस्था दूसरे पौधे पर पूरी करता है, इनमें से दोनों में से कोई सी भी एक अवस्था दूसरे पौधे पर पूरी करता है तो अर्ध परजीवी है। अगर वो तने पे लगता है तो अर्ध तना परजीवी यानी सेमी स्टेम पेरासाइट, और जड़ पे लगता है तो सेमी रूट पेरासाइट यानी अर्ध जड़ परजीवी है। और ये दोनों ही अवस्थाएं अगर दूसरे पौधे पर पूरा कर लेता है तो टोटल पेरासाइट है यानी पूर्ण परजीवी है। वो तने पे है तो टोटल स्टेम पेरासाइट और जड़ पे लगता है तो टोटल रूट पेरासाइट। तो यहां पूछा है मक्का में लगने वाला कौन सा अर्ध जड़ परजीवी यहां पर खरपतवार है। ए ऑप्शन है आपके पास ट्राइगा यानी विचेज वीड जिसको बोलते हैं, बी ऑप्शन है ओरोबैंकी जिसको ब्रूम रैप बोलते हैं, सी ऑप्शन है लोरेंथस यानी जिसको अपने सॉरी लोरेंथस ही बोल देते हैं, डी ऑप्शन अमरबेल जिसको डूडर बोल देते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए कि कौन सा मक्के का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्ट्राइगा, यानी विच वीड होता है, ये मक्का का रूट पेरासाइट होता है। ठीक है, अब जैसा कि अपने बात की थी कि जो रूट पेरासाइट होते हैं, स्टेम पेरासाइट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। वैसे तो स्टेम पे जो उगता है वो स्टेम पेरासाइट है, जो रूट पे उगता है वो रूट पेरासाइट है ना। इसको भी अपने दो भागों में बांटा था, सेमी रूट पेरासाइट और टोटल रूट पेरासाइट, यानी अर्ध जड़ परजीवी और पूर्ण जड़ परजीवी, और दूसरा अर्ध तना परजीवी और पूर्ण तना परजीवी। तो इनके कुछ और एग्जाम्पल की अपने बात कर लें, जैसे स्ट्राइगा है, स्ट्राइगा है ये ज्वार बाजरा और मक्का के लिए परजीवी का काम करता है, यानी सोरगम मिलेट और मेज के अंदर ये प्रॉब्लम करता है स्ट्राइगा जो है। टोटल रूट पेरासाइट का एग्जांपल यानी पूर्ण जड़ परजीवी का जो एग्जांपल है वो है ओरोबैंकी, और ओरोबैंकी जो परजीविता दिखाता है वो तंबाकू के लिए, सोलेनेसी कुल की फसलों के लिए और सरसों के लिए दिखाता है। नेक्स्ट अपने बात करें सेमी स्टेम पेरासाइट यानी अर्ध तना परजीवी, तो इसका एग्जाम्पल है लोरेंथस,
और देखो लोरेंथस है ये किस पे परजीविता दिखाता है, आम यानी मैंगो और रोपित फसलें यानी प्लांटेशन क्रॉप। पूर्ण तना परजीवी यानी टोटल स्टेम पेरासाइट है, इसका एग्जांपल है अमरबेल। और अमरबेल जो है उसके लिए जो होस्ट प्लांट होता है वो कौन सा होता है, रिज का यानी अल्फा अल्फा होता है। तो यहाँ पे स्ट्राइगा का क्वेश्चन था, मक्का पर अर्ध जड़ परजीवी पूछा था, वो स्ट्राइगा था। बट उसके साथ साथ जो और भी एग्जाम्पल है वो भी अपने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे परजीवी जो खरपतवार है यानी पेरासाइट वीड है उनका डिस्कस हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, भारत में साइप्रस रोटेंडस के नियंत्रण के लिए कौन से मित्र कीट को काम में लिया गया था। Which friend insect was used to control Cyprus rotundus, जिसको मोथा बोलते हैं, मोथे का बोटानिकल नेम है, तो उसके कंट्रोल के लिए कौन सा मित्र कीट है वो काम में लिया गया था। ए ऑप्शन है आपके पास सूट बोरिंग मोथ, बी ऑप्शन है स्टेम बोरिंग मोथ, सी ऑप्शन है लीफ बीटिंग बीटल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो भारत के अंदर मोथा कंट्रोल करने के काम में लिया गया था। अपना क्वेश्चन था साइप्रस रोटेंडस के नियंत्रण के लिए भारत के अंदर कौन सा मित्र कीट काम में लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सूट बोरिंग मोथ होगा। ये देखो सूट बोरिंग मोथ, सूट बोरिंग मोथ है वो साइप्रस रोटेंडस यानी मोथा के नियंत्रण के लिए भारत में भी उपयोग में लिया गया था, पाकिस्तान में भी लिया गया था, यूएसए में भी लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा यानी सूट बोरिंग मोथ है ये मित्र जो कीट है, इसका उपयोग अपने मोथा के नियंत्रण के लिए, मोथा के जैविक नियंत्रण के लिए किया गया था। उसके अलावा देखो ये और भी वीड है और इनके नियंत्रण के लिए अपने बायो एजेंट या फिर अपने जो मित्र कीट है उनका उपयोग किया गया था, तो उनका एग्जाम्पल है। भारत का एक और एग्जाम्पल है पार्थेनियम यानी गाजर घास। गाजर घास के नियंत्रण के लिए जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा जो है काम में लिया गया था, ये बायो एजेंट है। और उसके अलावा इंसेक्ट की बात करें तो लीफ हिटिंग बीटल है, ये जो अपना पार्थेनियम यानी गाजर घास है उसके नियंत्रण के लिए काम में लिया गया था। और भी ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन सब एग्जाम्पल्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बट आपको एक चीज बता देता हूं उससे पहले, एक इंफॉर्मेशन, www.onlineagriculture.org वेबसाइट, ये ऐप भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पर आप सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके कोर्स है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम है, चाहे कृषि प्रवेशक डब्ल्यूएओ जेट डब्ल्यूएओ प्री पीजी एसीएफ एग्रीकल्चर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेट है, उसके अलावा आईसीआर का एग्जाम है, या जैसे चलो उत्तराखंड का तो हो गया लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का, बैंक एफओ है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, आरआरबी का है, एग्रीकल्चर ऑफिसर पीजी लेवल है, यूपी टीजीटी है, कॉम्पिटिटिव हॉर्टिकल्चर है, एआरओ है, हॉर्टिकल्चर जेआरएफ है, उसके अलावा बैंक एफओ है, डब्ल्यूओ राजस्थान का है, प्री पीजी का है, आरआरबी एसओ का है, उसके अलावा सीबीएसई 11th एग्रीकल्चर, सीबीएसई 12th एग्रीकल्चर, उसके अलावा राजस्थान बोर्ड 11th, राजस्थान बोर्ड 12th, यूपी पीजीटी जिसकी वैकेंसी अभी चल रही है, उसके अलावा एनएससी का है, उसके अलावा नेमेटोलॉजी में और एंटमोलॉजी में जेआरएफ है, उसके अलावा अगर अपने बात करें जैसे एमपी में अभी पोस्टें आई हुई है एसएडीओ की और आरएईओ की, तो उनके लिए भी ऑनलाइन कोर्स है। उसके अलावा जैसे बीएससी में एंट्रेंस एग्जाम जैसे पैट का एग्जाम है जैसे छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है उसके लिए, उसके अलावा जैसे अपने बात करें यूपी के टेट के एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स है, उसके अलावा जैसे फॉरेस्ट्री जो है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पीजी में बैंक में आते हैं तो उसके लिए अलग से कोर्स क्रिएट किया गया है। उसके अलावा जो हिसार है उसके अंदर जो चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स भी यहां पर है, और ये बायलैंगुअल है, हिंदी के लिए अलग अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अवेलेबल है।
अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आज ही आप ये वेबसाइट विजिट करिए या फिर ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी आज अपने क्वेश्चन और भी है बट इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी के क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।